लेकर आया है। महाप्रभु उस समय नवलदास जी के संग बैठे वृंदावन के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे। नवलदास जी सामने बैठे थे, मुख्य द्वार की ओर श्री महाप्रभु जी की पीठ। महाप्रभु ने कहा कि नवलदास, या वन की शोभा देखत देखत मेरे नैन अघावे ना आए, या वन की एक एक लता को ऐसो अद्भुत प्रकाश है, या वन की एक एक लता के एक पत्र की ऐसी द्युति है कि कोटि कोटि बैकुंठ यासों प्रकाशित हुए, ऐसो यह अद्भुत वृंदावन है। वृंदावनेश्वरी ने मो दास पे कितनी कृपा करी जो मोए यहाँ को वास देती हो। नरवाहन पीछे खड़ा सुन रहा था, महाप्रभु की पीठ का दर्शन किया, नरवाहन को रोमोद्गम हुआया। जैसे जन्मों की निद्रा से कोई नरवाहन को जगाता हो, ऐसा अनुभव हुआ नरवाहन को महाप्रभु की वाणी सुनकर। उधर नवलदास ने नरवाहन को आता देख लिया। वो जानते थे कि ये भैगांव का राजा क्रूर है, किसी को भी क्षति पहुंचाने से पहले विचार नहीं करता। हाथ में नंगी तलवार है, सशस्त्र सैनिक साथ में है, जाने अब क्या होगा। नरवाहन नवलदास जी की मुख मुद्रा को किंचित भयभीत होता जब महाप्रभु ने देखा तो गर्दन घुमाई बैठे बैठे, और जैसे ही नरवाहन पर दृष्टि पड़ी, नरवाहन के हाथ से तलवार छूट गई। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, पीठ का दर्शन नरवाहन ने किया था। सब विचार मौन हो गए। नरवाहन को अनुभव हो रहा था कि ये मेरे भीतर कैसा परिवर्तन हो रहा है, अनचाहा परिवर्तन, अनजाना परिवर्तन, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, कभी कभी विचार नहीं किया, कभी अनुभव नहीं किया। ये कैसी अनुभूति मुझे हो रही है, क्या मैं शिथिल पड़ता जा रहा हूं, क्या वस्तुतः इस व्यक्ति के पास कोई कोई ऐसा जादू है, क्या ये ऐसा कोई मोहन मंत्र जानता है जो मुझ पर भी कार्य करने लगा है। नरवाहन ने बहुत चेष्टा की अपने आप को संभालने की, बहुत चेष्टा की अपनी उस अंतर्वृत्ति के सहज होने का विरोध करने की। नरवाहन सफल नहीं हुए। महाप्रभु ने गर्दन घुमाकर देखा, हाथ से तलवार छूट गई। खड़े हुए महाप्रभु, देखा नरवाहन की ओर। नरवाहन ने साहस बटोर कर एक बात निवेदन करनी चाहिए कि अभी अभी बस कुछ क्षण पहले इन इन सज्जन से आप इस वन की इतनी महिमा का वर्णन कर रहे थे, मैं तो आज तक अपरिचित था कि इस वन की ऐसी महिमा है और मैं इस वन का राजा हूं। महाप्रभु मुस्कुरा दिए और कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। मैं जब जब सुबह मुझे महाराज ने कहा तो कि आप महाप्रभु के चरित्र के विषय में कुछ कहना, पर सच्ची बात तो यह कि यह मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है। मैं रसिकों की वाणियों का आधार लेकर लाल जी का यश भी गा सकता हूं, प्रिया जी का यश भी गा सकता हूं, वृंदावन की बात भी कह सकता हूं, परंतु महाप्रभु का गुण गाने की सामर्थ्य मेरी वाणी में नहीं है। गोपी गीत में एक श्लोक आता है, गोपी कहती है निज जनस्मय ध्वंसन स्मित, कि हे श्याम सुंदर, आप जब किसी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं तो माने उसके जन्म जन्मांतरों के कलमश को आप हर लेते हैं, उसको आप निर्मल कर देते हैं, उसको पवित्र कर देते हैं, उसके उसके जीवत्व का हरण आप कर लेते हैं, वो जीव आपका हो जाता है। हमारे वृंदावन में गुनगुनाते हैं, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधारमण। बोलो जो केवल हंस के मुस्कुराकर किसी के भी हृदय का हरण कर ले। महाप्रभु ने देखा नरवाहन की ओर, भाव में भरे थे उस समय महाप्रभु। ऐसे एक तो दाता हो, उदार हो, और फिर उस उदार दाता के यहां उत्सव होता हो, तो फिर तो उसकी उदारता का क्या कहना। तो अकारण करुणा वरुणालय हित प्रभु, और वृंदावन की शोभा को देखते देखते महाप्रभु का हृदय हर्षित था, उल्लसित था, सौभाग्य नरवाहन का सन्मुख हो गया।
और कर्म बंधन सब कटे, नरवाहन नरवाहन नहीं रहे। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, ये लोहा कंचन करे वो कर दे आप समान, दीपक सो लग दीपक होई। नरवाहन ने कहा, आप इस वन की ऐसी अद्भुत ऐसी भारी महिमा कह रहे थे, मैं तो आज तक नहीं जानता था कि मैं इस वन का राजा हूं। महाप्रभु हंसे। महाप्रभु ने कहा कि निरंतर कुत्सित कर्म करते करते तेरी बुद्धि जड़ हो गई है। नरवाहन, श्री राधा वल्लभ लाल की ओर महाप्रभु ने संकेत किया, बोले नरवाहन प्रभु निहार, लोचन धर घोषणार, नकसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। एक बार मेरे प्रभु के नक्षिक स्वरूप का दर्शन कर, तेरे जन्म जन्मांतरों का ये दुख, जीव का दुख क्या है, जीव के हृदय की कामना ही जीव का दुख है। जैसे ही जीव निष्काम होता है सुखी हो जाता है। नरवाहन प्रभु निहार, लेकिन महाप्रभु के शब्द केवल शब्द नहीं थे, महाप्रभु का संकेत केवल संकेत नहीं था, उन शब्दों में उस हाथ की मुद्रा में मानो कृपा रस वर्षण हो रहा था। और सबको तो राधा वल्लभ लाल के इसी स्वरूप का दर्शन हुआ जिसका दर्शन आप और मैं करते हैं, पर नरवाहन पर महाप्रभु ने कृपा कर दी, कहा मानो नरवाहन को आज्ञा दे दी हो, मानो नरवाहन को ये आज्ञा देकर समर्थ बना दिया हो कि नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषणार, एक बार दृष्टि भर के देख इस इन नवल किशोर इन युगल किशोर का सौंदर्य, नक्षिक सौंदर्य काम दुख निकल गए। नरवाहन को दर्शन हुआ क्या, निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस पर अंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। और श्रीमद् भागवत प्रमाण है कि बिना भक्त की चरण रज मस्तक पर धारण किए भगवान मुकुंद नहीं मिलते। व्यास जी कहते हैं, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाज। श्री सेवक जी कहते हैं कि सेवक तिन दासन को दास, रसिकन सौ प्रीतम कहे। भक्त की चरण रज द्वार है उस ओर जाने का, संत की चरण रज द्वार है उस ओर जाने का, वहीं से कृपा का आलोक प्रकट होगा, वहीं से वहां तक को पहुंचने का मार्ग मिलेगा। नरवाहन ने मस्तक रख दिया महाप्रभु के श्री चरणों पर। ये कैसी अद्भुत घटना आज घटी। क्या है नरवाहन के पास, कोई भजन, कोई साधन, कोई पात्रता, कोई योग्यता, कुछ नहीं, केवल एक बात जहां से मैंने आज की चर्चा आरंभ की, केवल एक बात कि नरवाहन वृंदावन को अपना मानते हैं, नरवाहन स्वयं को वृंदावन का मानते हैं, भले वो मान्यता कैसी भी हो। वस्तु शक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, समझने का प्रयास करना। एक वस्तु की जो शक्ति है उसको इस बात की अपेक्षा नहीं है कि आपको उस शक्ति की जानकारी है या नहीं। कोई भी विष पान कर ले, जान के करे अनजाने में करे, परिणाम एक ही आएगा। वृंदावन का प्रभाव प्रकट है, प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप,
नयन अछत दीसत नहीं ये माया कुरूप। नरवाहन वृंदावन को अपना मानते हैं। जहां मैंने आज बात आरंभ की ना कि इस उपासना को, इस उपासना के मर्म को, इस उपासना को हृदयंगम करने के लिए एक ही सारभूत सिद्धांत है, वृंदावन से संबंध हो जाए। महाप्रभु कहते हैं, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजा कदानु वृंदावन कुंज विधे श्वहं नुराधे यतिथे भवे। किन्तु आशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। कोटि कोटि जन्म में भी इसी वृंदावन की आशा मुझे लगी रहे, यही महाप्रभु की याचना है। कृष्णचंद्र महाप्रभु वृंदावनेश्वरी से प्रार्थना करते हैं, वृंदारण्य रसमये देहि मे निश्चला रतिम, कि हे वृंदावनेश्वरी आपके चरण कमलों की प्रीति युक्त अविचल रति कहां मिले? वृंदावन की। प्रिया जी के चरणों की अद्भुत अनन्यता होने पर भी महाप्रभु पहला प्रणाम वृंदावन को करते हैं। महाप्रभु अपनी समस्त वृत्तियों को समाहित करने की बात वृंदावन के लिए करते हैं। और जब महाप्रभु को आशा भी है तो किससे? आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया। हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेय साक्षालितोद्भूत भोभो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजः हे राधाया रतिग्रह शुका हे मृगा हे मयूरा भूयो भूय प्रणतिभिरहं प्रार्थये वोनुकंपां। महाप्रभु की अगर प्रार्थना भी है तो वो प्रिया जी से नहीं, प्रार्थना भी है तो वृंदावन धाम से है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, खग मृग पशु पंछी या बन के बस चरण शरण रख लीजिए लाडली विनय मान लीजिए और दिए कछु भावत नाई वृंदावन रज दीजिए किशोरी अपनी कर लीजिए। तो जहां से मैंने बात आरंभ की थी वहीं लाकर आज बात को विराम देता हूं। कल वैसे श्री सेवक जी महाराज का प्राकृतिक दिवस परसों है, वृंदावन में झूलन उत्सव है, प्रियालाल सहचरियों के सुखार्थ कन्नब की छांव झूलेंगे, पर मेरी इच्छा यही है कि जो बड़े लोग होते हैं ना उनको उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पे बधाई दी जाती है, तो हम लोग भी श्री सेवक जी महाराज का जन्म, उनका प्राकट्य, उनकी बधाई और प्रियालाल का झूलन उत्सव कल झूला उत्सव की पूर्व संध्या पर ही करेंगे। कल जो भाव श्री हरिवंश नाम की कृपा से मुझे मिलेगा मैं आचार्य चरणों में बैठकर निवेदन करने का प्रयास करूंगा। इसी भाव के साथ फिर से समस्त आचार्य चरणों का वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम करता हूं। 2 मिनट आप लाते 2 मिनट के लिए महाराज श्री अपनी बात कहेंगे मंगल गान करके। और कल मैंने देखा कि जब मैंने ये बात की तो आप में से कुछ लोग उठे, कुछ लोग भीतर गए, कुछ लोग बाहर आए। आप लोग जिस परम तत्व का गुण गौरव मैं अभी गाने का और उनको रिझाने का प्रयास कर रहा था, हम लोग ऐसी समृद्ध परंपरा से हैं। शिष्य जो होता है वो अपने गुरु का दर्पण होता है। हमारे हमारे आचार में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में वो गुण गौरव, वो गरिमा होनी चाहिए। केवल हम अपने माथे पर लगे तिलक से और गले में पहने कंठी से राधा वल्लभी न बने। ये हित का धर्म, ये गंभीरता, ये गहनता, ये विचारों का सौष्ठव,
ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। जब तक व्यासपीठ अपने शब्दों को पूर्ण रूपेण विराम नहीं देती, आप लोग अपना स्थान नहीं छोड़ें। सौदो कह मोहि केतिक मते, जस बरनत हारत सरस्वती, तीति सबे हरिवंश की, देह कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरनत, श्री हरि वंश नाम जस, श्री हरि वंश प्रकाश वचन, श्री हरि वंश गिरारस, जय जय श्री हरि वंश। यहां विराजमान हितनाद वंद परिवर के हृदय में विराजमान प्रकट अप्रकट स्वरूप से विद्यमान हित के नमन करता हूं। आज इस हितरस चर्चा का द्वितीय दिवस था। प्रिय श्री अमरीश जी ने सही बात कही, और बात कही नहीं, कुछ अनुभव जो भाव नेत्रों से प्रकट हो सकते हैं वो शायद वाणी में भी क्षमता नहीं है कि उसको प्रकट कर सकें, क्योंकि अनुभव वस्तु ही ऐसी है। अनुभव की कोई भाषा नहीं होती, अनुभव की कोई वाणी नहीं होती। जिस संप्रदाय के मर्म को समझने के लिए यह 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, कल भी इसी बात पर चर्चा की गई, वो समझने में जानने में जितना सरल है वो हृदय में प्रकट करना उतना ही असरल है। भारतीय संस्कृति, धर्म, वेद, उपनिषद और अनन्य संप्रदायों और धार्मिक पंथों से सुसज्जित है। कहीं विष्णु उपासना है, कहीं शिव उपासना है, कहीं शाक्त उपासना है, हम कहीं ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, कहीं रुद्र की, शिव की उपासना कर रहे हैं, कहीं देवी उपासना कर रहे हैं। हजारों देवी देवताओं की उपासना भारतवर्ष में है। इन उपासनाओं के बीच मैं यदि आपसे कहूं कि मैं देवी देवताओं की उपासना नहीं कर रहा, न मैं विष्णु की उपासना कर रहा हूं, न मैं शिव की उपासना कर रहा हूं, न मैं ऐश्वर्य की उपासना कर रहा हूं, मैं तो हित की उपासना कर रहा हूं, तो उस बात को मैं समझाऊं कैसे? क्योंकि किसी भी धर्म को समझना है तो उसका उपास्य तत्व समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक उपास्य ही नहीं समझ पाओगे, उपासना कैसे करोगे? उपास्य तत्व भी समझना आवश्यक है और उपासक का भाव भी समझना आवश्यक है।
तो जिस संप्रदाय का उपास तत्व हित है और नित्य संध्या स्तुति में आप इसका बड़े ही प्रेम से गान कहते हैं कि हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत नहीं चितनित हित की आस, तो ये हित है क्या, हित का स्वरूप क्या है, हित का मर्म क्या है? संसारी यदि किसी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी धर्म का अनुसरण करता है तो सबसे पहले वो इसी की बात की चिंता करता है कि यह मेरे जीवन में किस तरह उपयोगी है। क्योंकि धर्म का सीधा संबंध जीव से है, जीवन से है। और दूसरे अर्थ में कहा जाए तो जीवन ही धर्म है या धर्म ही जीवन है। तो ये 3 दिवसीय सत्संग शिविर राधा वल्लभ जी का स्वरूप, वृंदावन का स्वरूप, सहचरी का स्वरूप तो प्रकट कर ही रहा है, लेकिन उस स्वरूप के माध्यम से आपके जीवन का सही मार्ग भी प्रकट करने के लिए रखी गई है। तो जीव के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा मार्ग है जो सबसे सहज है, सरल है? महाप्रभु जी, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरित्र का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। सेवक जी ने बार बार एक ही बात कही कि सोधो कहो मोहि केतिक मति, जिन्होंने पूरी सेवक वाणी लिख दी उन्होंने एक ही बात कह दी। और ऐसे नहीं पहले कही, बाद में नहीं कही, पहले भी कही, बार बार कही। पर हरिवंश महाप्रभु जी ने जो जीवों को देन दी, जो हित का स्वरूप प्रकट किया, उस हित को जो सहजता से समझा जाए तो उसको कहते हैं निष्काम प्रेम। प्रेम तो है ही, परंतु प्रेम के अंदर एक विशुद्ध भाव है निष्कामता का। जिस हित के स्वरूप में हरिवंश महाप्रभु जी ने इस धरातल में प्रकट कर दिया, अब समस्या यह है कि प्रेम ऐसी वस्तु है कि उसको समझाया नहीं जा सकता, वो अनुभव से ही समझी जा सकती है। सरल इसलिए है, सहज इसलिए है कि जीव, हर एक जीव के हृदय के अंदर प्रेम सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान ही है और निष्काम स्वरूप में भी विद्यमान है। और जो आपके पास उपलब्ध है, जो आप थोड़ा जानते हैं, समझते हैं, उसके माध्यम से अगर मैं किस चीज को, किसी वस्तु को समझाया जाए तो आप जल्दी समझ सकते हैं। यदि वेदों की बात करें, उपनिषद की बात करें, तो वहां ब्रह्म की बात है। ब्रह्म को समझना इतना सरल नहीं है, उसमें भी साक्षी भाव। वेदों से समझ नहीं आई तो उपनिषदों का निर्माण हुआ। उपनिषद कहते हैं कि वेदों के 2% ही ज्ञान को उपनिषदों में लिया गया है, और उपनिषद भी उस वस्तु को प्रकट नहीं कर सके तो पुराणों को प्रकट करना पड़ा।
और इन सब का सार हरिवंश महाप्रभु ने बहुत सहजता से हित के माध्यम से जीवों को अर्पित कर दिया। हर एक जीव के हृदय में प्रेम का अंकुर होता है, हर जीव निष्काम प्रेम को समझता है, उसी हित की आभा, उसी हित का परम स्वरूप, उस प्रेम का परम स्वरूप जिस दिन आपके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा, उस दिन इस वृंदावन का वैभव आप मेप आपके स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। और जैसा कि प्रिय श्री अमरीश जी ने कहा कि करने की जो वस्तु करी जाती है, प्रयत्न किया जाता है, उसमें बुद्धि का अवकाश होता है। आप प्रयत्न कर रहे हैं और प्रेम एक वस्तु है जो सहज ही हृदय से प्रकाशित होती है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और प्रेम के जो गुणधर्म हैं वो इतने सरल हैं, वो और जो व्यक्ति प्रेम में पड़ता है वह अपने आप नाम अभिमान क्रोध सब भूल जाता है। भुलाना पड़ता नहीं है। जो व्यक्ति प्रेम में है उससे ये सब दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। निरोध स्वरूपा, नारद भक्ति सूत्र में कहा है ये बात। निरोध क्या होता है? छूटना, छोड़ना नहीं। जो वस्तुएं अपने आप छूटती जाए, और ये प्राकृतिक स्वरूप में, हित स्वरूप में आपके हृदय में विद्यमान ही है, और इसी स्वरूप को, इसी रूप को हरिवंश महाप्रभु जी ने जीवों के लिए प्रकट कर दिया। यदि आप प्रेम को समझ जाएं, निष्कामता को समझ जाएं, तो जीवन में जिस आनंद के लिए आप प्रयत्नशील हैं, अल्प सुखों के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उस निष्काम प्रेम के माध्यम से आप नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी प्रेरणा श्री राधा वल्लभ लाल जी के स्वरूप से प्राप्त होती है। और वही एक राधा वल्लभ लाल जी का स्वरूप और जो उपासक का जो स्वरूप है वह उसी निष्काम प्रेम का प्रतिबिंब है। तत्सुखित भाव कहते हैं हम, जहां अपनी कामना की कोई भी आकांक्षा नहीं। जब कोई प्रेम में पड़ता है तो कभी अपने विषय में नहीं सोचता, वो हमेशा सामने वाले के विषय में सोचता है। और यहां पर तो सहचरियां सिर्फ प्रिया लाल जी की ही सुख के बारे में प्रयत्नशील देती हैं। यहां सहचरी भाव है। गोपियों का भाव सर्व श्रेष्ठ था, परंतु उनके भाव में भी कामना का प्रवेश हुआ। और उस कामना के कारण गोपियों को विरह वेदना प्राप्त हुई। और उस भाव से आगे का भाव सहचरी भाव है, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के उपासक का भाव है। हित की उपासना और सहचरी भाव और प्रेम, प्रेम से मैं आपको परिचय कैसे कराऊं? आपने सही कहा अमरीश जी ने, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी साक्षात प्रेम का ही स्वरूप हैं, प्रकट प्रेम स्वरूप हैं, उनको कैसे वर्णन किया जाए? क्या मां अपने वात्सल्य को
प्रकट कर सकती है? नहीं। क्या आप अपनी भावनाओं को वाणी से प्रकट कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हरिवंश महाप्रभु जी ने भी जब वृंदावन के स्वरूप को प्रकट करने की बात कही तो कहे कि यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं यथामति, वृंदावन का वैभव इतना है कि मैं भी अपनी वाणी में अगर प्रकट कर रहा हूं तो यथामति में कितना प्रकट कर पाऊंगा। तो हरिवंश महाप्रभु जी और निष्काम प्रेम का स्वरूप प्रकट करना सहज बात नहीं है, लेकिन सहज ये है कि हम धीरे धीरे अपने आचरण के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, और जो प्रेम हमारे जीवन में है, हमारे संसार में है, अपने आसपास जिस प्रेम से आप बंधे हुए हो, उस प्रेम को निष्काम स्वरूप देकर आप उस प्रेम को धीरे धीरे अनुभव करके और प्रियालाल जी के स्वरूप से प्रेरणा लेकर उसको समझने का प्रयत्न कर सकते हो और हरिवंश नाम रटकर धीरे धीरे उस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसी मार्ग में आगे बढ़ते हुए कल फिर सत्संग के माध्यम से आपके हृदय में फिर एक चोट करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे कि आपके हृदय में इस हित की भावना को प्रकट करने का मार्ग प्रशस्त कर सके। जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना रसिक अनन्यन मुख्य गुरु जन भय खंडना श्री वृंदावन वास रास रस भूंजा पीड़त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तह मारुत बहे कुंज भवन विचित्र शोभा सेवत रहे तहा संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंडन जय जय श्री हित हरिवंश जय जय चंद्र उदित सदा द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी करुणा सिंधु कृपा काल भय सब हरि सब कल काल की भय कृपा निरभिमान निरवैर निरूपम निष्कलंक जो सर्वदा जय जय श्री हित हरिवंश जय जय हित हरिवंश चंद्र उदित सदा जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब गुणी सारा सार विवेकित को विदुगुणी गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए ज्ञान धर्म मृत कर्म भक्ति किं कर दिए भक्ति हित जे शरण आए बंद दोष जो सब घटे कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे परम सुखद सुशील सुंदर साहि स्वामी न मम धन जय जय श्री हित हरिवंश जय जय श्री हित हरिवंश प्रशंसित सब गुणे जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए करुवाढ़े रस रीति प्रीति चित ना करे जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगती
जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाए। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश, नाम गुण गाए। अच्छा एक छोटी सी बात पूछना रह गया मुझे, अगर आप सच बोलें तो मैं पूछूं, आप में से हाथ खड़ा करके बताइए आप में से कितने लोगों को मंगल गान याद है। अच्छा वो खड़ा करो जिनको नहीं याद है, बराबर ही है। महाराष्ट्र ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हम आरंभ तो यहां से करते हैं कि जीवन के लिए भी धर्म आवश्यक है। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति में बड़े रहस्य की बात कही कि हम कहते हैं कि ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, पर वो कहता है कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। हित हमारा विशुद्ध स्वरूप है, हम आरंभ तो यहां से करें कि हमारे हमारे जीवन में धर्म हो, लेकिन उसका विश्राम यही होना चाहिए कि धर्म ही जीवन हो जाए। तो और जहां मैंने अभी कहा था ना कि दो दो पैसे की बात से, छोटी छोटी बात से जीवन निर्माण होगा, तो जिन लोगों को मंगल गान याद नहीं है ये बात उनके लिए कि कभी फिर से मेरा अगर यहां आना हो, महाराज कृपा करें फिर से मैं आऊं, तो इस कथा की दक्षिणा मुझे यही मिलनी चाहिए कि आप सबके जीवन में मंगल हो। अभी उस दिन कोई बोले बोले वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह का पता लगा लिया और अपने जीवन का मंगल कहां है इसका कोई अता पता नहीं। वो अच्छा है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। तो व्यासपीठ की तरफ से शुभकामना कि हमारे जीवन में और कुछ हो ना हो, कम से कम हमारे दैनिक जीवनचर्या में ये मंगल अवश्य होना चाहिए। और क्या सुंदर बात हो कि अगर हमारी दिनचर्या का आरंभ, हमारी शास्त्रीय परिपाटी है कि हम लोग जब प्रातः काल उठते थे तो बड़े लोग सिखाते थे कि सबसे पहले अपनी हथेली का दर्शन करना चाहिए, फिर भूमि को प्रणाम करना चाहिए। आज जैसे कल मैंने कहा था ना, हम अतिथि देवो भव से कुत्तों से सावधान पे पहुंच गए, ऐसे ही आज हमारे दिन का आरंभ कैसे होता है, व्हाट्सएप से टिंग टिंग बजती है और हम उठते हैं, टिंग टिंग बजाते बजाते हम लोग सो जाते हैं। क्षमा करें, हम लोग विकास नहीं कर रहे अपना, हम लोग जड़ता की ओर जा रहे हैं। क्या होता है कि विचार जो है उसमें शक्ति है, विचार जो है वो बार बार मन में आने से हमारे अंतर मन में एक विशिष्ट प्रकार का घर्षण उत्पन्न करता है, विज्ञान उसको हार्मोन कहता है, एक विशेष प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है। सोचते सोचते वो विचार हमारा झुकाव ले लेता है हमारी वृत्ति का, फिर वो विचार कभी ना कभी हमारा व्यवहार बन जाता है, फिर जब हम व्यवहार करते करते उसके साथ तदाकार होते हैं तो हम वही हो जाते हैं, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो धीरे धीरे हम जड़ता की ओर जा रहे हैं, ये कोई विकास के लक्षण नहीं है। विकास कभी भी यंत्र से नहीं होता, विकास कभी भी तंत्र से नहीं होता, विकास प्रेम के मंत्र से होता है। ये हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों के पास न तंत्र की शक्ति थी न यंत्र की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपने मंत्र की शक्ति से, उन्होंने अपने मंत्र की शक्ति से देवताओं को भी परास्त करने का सामर्थ्य अर्जित किया है। इसलिए अपने जीवन को, फिर कहूंगा बड़े सौभाग्यशाली शब्द बड़ा क्षुद्र सा है, छोटा सा है, हमको इन चरणों का आश्रय मिला है, हित का आधार लेकर ऐसा सुंदर जीवन निर्माण हो जो प्रिया प्रीतम के सुख का, प्रिया प्रीतम के आनंद का विषय बन सके।